thermal properties of matter, thermal heat. So we are starting chapter of heat. The first thing we are going to study in this is what is meant by temperature. हम लोग बहुत word use करते हैं temperature, बहुत use करते हैं heat. So in physics we should be very clear what is temperature and what is heat. So first thing, temperature. टेम्परेचर इज ए सेंसेशन. हमको अनुभव होता है, हमको सेंस होता है. कैसा सेंस? जब हम एक बर्फ से भरे हुए पॉट को यूज टच करेंगे, आइस को टच करेंगे और एक गर्म कप के चाय को टच करेंगे तो हमारे सेंसेशन डिफरेंट होते हैं. तो हम नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं कि ये हॉट है और ये कोल्ड है. बर्फ को टच करेंगे तो हम कहते हैं कोल्ड है, चाय को टच करेंगे तो हम कहते हैं हॉट है. तो ये जो कोल्ड और हॉट है, फिजिक्स की लैंग्वेज में ये जो सेंसेशन का डिफरेंस है ये क्या है, तो उसको मेजर करने के लिए हमने एक वर्ड बनाया टेम्परेचर. टेम्परेचर ये बताता है कि जैसे चाय, गर्म चाय को हम टच करेंगे तो हम ये कहेंगे इसका टेम्परेचर हाई है, और आइस को टच करेंगे तो कहेंगे इसका टेम्परेचर कम है. तो ये जो हमको सेंसेशन होता है उसके लिए हम अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं. ए वेरी कॉमन वर्ड इज डिग्री ऑफ हॉटनेस. कम गर्म, ज्यादा गर्म या उससे ज्यादा गर्म, इस डिग्री को बताने के लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई है एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज टेम्परेचर. सो इफ यू वॉन्ट टू राइट ए डेफिनेशन इट विल बी टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस. Is degree of hotness and it is a sensation which we experience when we touch different objects with different degree of hotness. Okay, now if we want to measure temperature then we should have a common language. मैं अगर आपको बोलूंगा कि ये चीज का temperature कम है, ज्यादा है, तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, मुझे बताना पड़ेगा, उसके साथ कोई नंबर अटैच करना पड़ेगा. जैसे दो ग्लास पानी हमने लिए और मैंने कहा कि ये ज्यादा ठंडा है, ये कम ठंडा है. कितना ज्यादा ठंडा है, कितना कम ठंडा है, मेजरमेंट. फिजिक्स में हर चीज को हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस को भी हम क्वांटिटी में मेजर करना चाहते हैं. तो बर्फ बहुत ठंडी होती है, पानी ठंडा होता है. हमने कहा कि दो, मैं इस शहर में गया था, वहां बहुत ठंड थी. शिमला गया था, बहुत ठंड थी. आपने कहा मैं कश्मीर गया था, वहां बहुत ठंड थी. तो आपने बोला वहां ज्यादा ठंड थी. मैंने कहा नहीं, यहां ज्यादा ठंड थी. तो हम कैसे कंपेयर कर सकते? तो हमारे पास फिजिक्स में एक ऐसा स्केल होना चाहिए कि हम बताएं कि यहां इतना ठंड था, 13 थी, आप भी बोलोगे 14 थी, तो कहां पर ठंड कितनी थी इसको हम एक क्वांटिटी में मेजर करना चाहते हैं. तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, एक मेजरमेंट का सिस्टम बनाते हैं, और वो मेजरमेंट किसका होगा? टेम्परेचर का. तो टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए हमने एक सिस्टम बनाया. कोई भी सिस्टम हम बनाते हैं तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं. एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेजरमेंट का नियम है, एक ऐसा स्टैंडर्ड जो सबको मालूम होना चाहिए. भले मैं यहां पर हूं, दूसरे शहर में हूं, दूसरे देश में हूं, हर जगह वो एक स्टैंडर्ड चीज होनी चाहिए जिससे सब लोगों को पता लगे कि इससे हम स्टार्ट करेंगे. ओके, तो इसमें हम लोगों ने पहले से हम लोग ऐसी बहुत सी डेफिनेशन बनाते हैं. जैसे हमने टाइम की डेफिनेशन बनानी थी तो हमने ये कहा एक सनराइज से दूसरा सनराइज जब होता है तो उसको हम वन डे बोलेंगे. फिर उसके टुकड़े कर लो, 24 टुकड़े करेंगे तो वन आवर होगा, फिर उसके 60 टुकड़े करेंगे तो वन मिनट होगा, फिर 60 करेंगे तो वन सेकेंड होगा. इस तरह से डेफिनेशन बनाने से क्या फायदा होता है? ये बेनिफिट है कि सनराइज टू सनराइज का टाइम
इंडिया में भी होता है और सनराइज टू सनराइज इंग्लैंड में भी होता है, सनराइज टू सनराइज अमेरिका में भी होता है, तो उसमें हम लोग आपस में कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते कि तुम्हारा डे छोटा है मेरा डे बड़ा है। बाद में हमने उस डेफिनेशन में और भी करेक्शन कर ली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर हम जब भी स्टार्ट करेंगे एक ऐसी चीज से स्टार्ट करेंगे जो सब जगह अवेलेबल है। तो टेम्परेचर के लिए हमने क्या चीज चुनी? टेम्परेचर के लिए हमने दो पॉइंट्स चुने। नंबर एक, वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है, आइस बनता है तो आइस को टच करना है, वो जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है उसको हमने कहा दिस इज वन स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा, पानी को गर्म करते करते जैसे ही वो बॉयल होकर स्टीम बनने लगता है उस समय हम उसको सेंस करते हैं, और वो जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है उसको हमने एक दूसरा पॉइंट रखा डिग्री ऑफ हॉटनेस का। इस तरह से हमारे पास डिग्री ऑफ हॉटनेस के दो स्टैंडर्ड पॉइंट हैं। ये डिग्री ऑफ हॉटनेस जो आइस की डिग्री ऑफ हॉटनेस है उसको हमने डिसाइड किया सबने मिलके कि उसको हम बोलेंगे लोअर लोअर स्टैंडर्ड, और जो गरम करते हैं हम, गरम करके फिर हमको क्या अचीव होता है बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो उसको हमने बोला दिस इज हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो इसीलिए बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ए हायर टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज ए लोअर टेम्परेचर, ये दोनों हमने फिक्स पॉइंट बनाए। दिस इज फ्रीजिंग ऑफ वाटर, और ये वाली हाइट जो है ये, इसको हमने बना लिया बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसको टच किया, इसको टच किया, ठीक है, ओके। तो ये हमने दो स्टैंडर्ड पॉइंट बनाए, हम सब जानते थे। अब उसके बाद ये दो पॉइंट्स बहुत बहुत कम और बहुत ज्यादा डिग्री रखते हैं हमारी सब चीजें। अगर मैं इस कमरे में आता हूं, हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज होता है, गर्मियों में सर्दियों में पानी का टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो हम उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सिर्फ दो पॉइंट से हमारा काम नहीं चलता। तो हमने उसके स्केल्स बनाए कि ये बहुत ठंडा है, ये बहुत गर्म है, इसके बीच सारे टेम्परेचर होंगे। हम जितनी भी चीजें अपने पास पास देख रहे हैं नॉर्मली, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं उसकी डिग्री होती है। तो इसके लिए हमने अलग अलग स्केल बना दिए। ये एक स्केल बनाया इसमें सेल्सियस ने, उन्होंने ये बोला सेल्सियस, सेल्सियस का ये कहना था कि जिस टेम्परेचर पर फ्रीजिंग ऑफ वाटर होता है आई विल कॉल इट 0 degree Celsius, और जिस पर ये बॉयल होने लगता है दैट आई विल कॉल 100 degree Celsius, और उसके हमने 100 पार्ट्स कर दिए, और ये जो इसका 100 पार्ट किया, ये जो एक पार्ट होगा दिस वन पार्ट, दिस इज रेजिंग द टेम्परेचर बाय 1 degree Celsius। ये कितना है? 1 degree Celsius, ये ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और स्केल यूरोप में चलता, दैट इज फारेनहाइट ब्रिटिश। तो उन्होंने ये बोला कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर में मेरे स्केल में ये टेम्परेचर होगा, दिस इज 32 degree Fahrenheit, 32 Fahrenheit, यानी उनका जीरो इससे और भी ज्यादा ठंडा होना चाहिए था जिस पर अल्कोहल जम जाती है। ओके, 32 Fahrenheit फ्रीजिंग ऑफ वाटर का टेम्परेचर, और उसके बाद ये उन्होंने लिया 212 Fahrenheit। इस तरह से ये उनके स्केल बन गए 32 से 212, 180 डिविजन्स इसमें कर दिए गए, 180। इसमें कितने डिवीजन किए थे? 100 डिवीजन। इसमें कितने डिवीजन उन्होंने किए? दिस इज 180 डिवीजन्स। 32 के बाद 180 स्टेप बनाइए, कहां पहुंच गए? 212।
212. पर याद रखिए 212 फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस दोनों एक ही फिक्स पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. इसी तरह से 32 फ़ारेनहाइट और 0 सेल्सियस दोनों एक ही टेम्परेचर बताते हैं, दैट इज फ्रीजिंग ऑफ वाटर. इसके स्टेप्स एक डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट. और टोटल कितने स्टेप्स हैं? 180. नाउ कैन यू टेल मी विच इज लार्जर टेम्परेचर, विच इज लार्जर स्केल ऑफ टेम्परेचर, और विच इज ए लार्जर टेम्परेचर डिफरेंस, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट? एक डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म होता है या एक डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म करना ज्यादा गर्म होता है? सोचिए, इस तरह से सोचिए, इसकी हाइट कितनी है? जीरो. इसकी हाइट कितनी है? ये ओके. यहां से यहां तक हाइट जाने के लिए सेल्सियस में आपको कितनी सीढ़ी पार करनी है? 100. तो एक सीढ़ी की कुछ हाइट होगी, 1, 2, 3, 100 सीढ़ी में आप बॉइलिंग में पहुंच गए. यहां से बॉइलिंग में जाना है, कितनी सीढ़ी पार करनी है? 180 सीढ़ी बीच में लगी हुई है. अब बताओ, एक सीढ़ी ये वाली ऊंची है कि ये वाली ऊंची है? हाँ, अब समझ में आया आपको कि एक डिग्री गर्म करना ज्यादा गर्म करना किस में होता है? एक डिग्री सेल्सियस गर्म करना ज्यादा है या एक डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म करना ज्यादा है? सेल्सियस. ठीक है ना, सीढ़ी वाले एग्जांपल से समझ में आता है कि आपको हाइट तो वही अचीव करनी है बॉइलिंग ऑफ वाटर के लिए, लेकिन यहां पर 100 स्टेप्स बनाए हैं और यहां पर 180 स्टेप्स बनाए, तो ये स्टेप छोटा छोटा होगा. सो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज स्मॉलर देन 1 डिग्री सेल्सियस. ओके. अब उसके बाद हमारे पास कोई पर्टिकुलर एक टेम्परेचर है, जैसे मैंने इस पकड़ा, इसका टेम्परेचर कितना है, इसे मैं दोनों लैंग्वेज में बता सकता हूँ, सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी. मान लीजिए इसका टेम्परेचर इतना है, ये यानी इसके और इसके बीच में कहीं पर है, इतना टेम्परेचर है, तो ये सेल्सियस स्केल में इसकी कुछ रीडिंग होगी, फ़ारेनहाइट में भी कुछ रीडिंग होगी. ये इसकी रीडिंग कितनी कितनी होगी? तो इसकी रीडिंग यहाँ पर है सी, यहाँ पर इसकी रीडिंग है एफ. तो ये सी और एफ आपस में रिलेटेड होते हैं. कैसे रिलेटेड होते हैं, इनका रिलेशन हम नोट कर लेते हैं. रिलेशन ऑफ स्केल्स, सी को 100 से डिवाइड करिए, एफ में से पहले 32 को माइनस करो और फिर इसको 180 से डिवाइड करो. ये आ गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू. ठीक है, तो ये नोट करिए, सी और एफ क्या है? सी और एफ एक ही ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर हैं. सी सेल्सियस में बताया गया और एफ फ़ारेनहाइट में बताया गया. ठीक है, अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए, अगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 होता है तो सेल्सियस में कितना होगा? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6, ह्यूमन बॉडी 98.6 फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में कितना होगा? कैलकुलेट एंड टेल. सो यू हैव कैलकुलेटेड इट, इट कम्स टू बी यस 37 डिग्री. सो 37 डिग्री इन सेल्सियस, दिस इज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस. सो यू कैन कन्वर्ट एनी वन टेम्परेचर स्केल
टू द अदर स्केल. ओके, इस तरह और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे विच टेम्परेचर इज सेम, विच टेम्परेचर इज सेम इन सेल्सियस एज वेल एज इन फारेनहाइट स्केल, दोनों में एक ही टेम्परेचर. तो दोनों में आप सी और एफ में टेम्परेचर रखिए टी, लेट दैट टेम्परेचर बी टी, और दोनों में उसकी वैल्यू टी रख के उसके बाद उस टी की वैल्यू निकाल लीजिए. इस इक्वेशन में एक ही अननोन क्वांटिटी होगी टी, एंड यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट दैट वैल्यू. सो दिस यू कैन ऑल्सो रिमेंबर बाय मेकिंग इट सर्टन सिंप्लीफिकेशंस. दोनों को 20 से कैंसिल कर दीजिए. सो वी गेट सी अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9. So this is how we remember it simply. Now, if we want to measure the temperature, then we should have a device to measure it. So there is a device which will help us to measure the temperature in different scales. So because it is measuring it, we call it meter, and it is measuring the heat degree of hotness, so it is thermometer. Yes. So what is thermometer? Thermometer is a device to measure the degree of hotness, that is temperature. So thermometer is the device which is used to measure the temperature. And now we will study another physical quantity. This quantity is the one due to which temperature change, we call it heat, or we can also say it is thermal heat. Energy. The other name for heat is thermal energy. Heat is a sort of energy, thermal energy. And now we will study what is this thermal energy. एक ग्लास को हमने हाथ लगाया, बर्फ जैसा ठंडा पानी है, हमने उसको यहाँ छोड़ दिया. थोड़ी देर बाद फिर उस ग्लास को हाथ लगाते हैं, अब वो ठंडा नहीं, रूम के टेम्परेचर पर ही है. इसी तरह से एक गर्म चाय को हमने यहाँ पे रखा, हाथ लगाया, देखा बहुत गर्म है, थोड़ी देर तक ऐसे ही छोड़ दिया, फिर आके हाथ लगाया, गर्म नहीं है, रूम टेम्परेचर पर आ गया. तो ये कैसे हो गया, क्या चीज उसमें आई और क्या निकल गई जिसके कारण उसका टेम्परेचर चेंज हो गया. टेम्परेचर तो पक्का है चेंज हो गया, हमारा सेंस बताता है कि टेम्परेचर चेंज हो गया, लेकिन ऐसी क्या चीज थी जिसके कारण वो टेम्परेचर चेंज हुआ. तो हमने यहां पर एक नई चीज सोची कि जरूर इसके अंदर कुछ आया है जिसने आके इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, अंदर कुछ घुसा, कुछ एंटर किया. वैसे ही टी के बारे में हम सोचते हैं कि इसमें से कुछ निकल गया जिसके कारण उसका टेम्परेचर कम हो गया, और रूम टेम्परेचर पे आता है तो उसका निकलना बंद हो जाता है. तो हमने ये सोचा कि जो चीज आकर टेम्परेचर को बढ़ा देती है, एंटर करती है, बर्फ वाले पानी में एंटर की और उसने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, चाय वाले में से निकल गई तो इसका टेम्परेचर कम हो गया. तो कोई ऐसी चीज है जो मटेरियल में एंटर करती है तो टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और मटेरियल से निकल जाती है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है. तो पहले हम सोचते थे, बहुत पहले, कि ये एक तरह का लिक्विड होता है जो कि हमको दिखता नहीं लेकिन एटमॉस्फेयर में है. ये लिक्विड जब किसी में एंटर करता है तो वो चीज को हाथ लगाते हैं तो वो हमको गर्म लगती है, ठीक है, और उस लिक्विड का नाम कैलोरी रखा गया, जो कि गर्म करने वाली चीज थी, उसी से कैलोरी यूनिट बन गया, ठीक है. बाद में और डेवलपमेंट हुआ और हमको पता लगा कि ये जो चीज इसमें एंटर करती है, दिस इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो ये एनर्जी क्या होता है? एनर्जी, ये दुनिया दो ही चीजों से बनी हुई है. जिधर भी हम देखते हैं, जिस तरफ देखते हैं, दो चीजें ही हमको दिखती हैं. क्लासिफिकेशन हमने किया, एक वो चीज होती है जो इतनी मोटी और बड़ी होती है जो हमको आंख से दिखती,
उसमें मास होता है, वो चलती है तो उसमें फोर्स बनता है, मोमेंटम बनता है, मास इनटू वेलोसिटी, और वो जब किसी चीज से टकराती है तो फोर्स लगाती है। ऐसी सब चीजों को हम बोलते हैं मटेरियल, मैटर। दूसरी चीजें वो होती हैं जो हमको आंख से तो दिखती नहीं है पर वर्क करने की पावर उनमें भी होती है, वो भी काम कर सकती हैं, लेकिन वो हमको उसमें मास नहीं होता, उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे हमारा मोबाइल बजता है, हमारी बात होती है तो कोई चीज हमारे मोबाइल में आती है तो आके घंटी बजाती है, लेकिन ना तो हम उसको देखते हैं, ना हम उसको पकड़ सकते हैं, ना स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही सूरज से रोशनी आती है, लाइट आती है, वो हमको दिखती नहीं है, यहां पहुंच जाती है और वो चीजों को हमसे कुछ ना कुछ वर्क करवाती है, उससे पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं, पूरी चीजें ही उससे बनती हैं पूरी। तो ये जो चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन काम कर सकता है, इसमें एनर्जी होती है। जो मटेरियल है, मटेरियल जब मूव करता है तो उसके पास भी एनर्जी होती है, वो भी काम कर सकता है, काम दोनों कर सकते हैं। क्यों? दोनों एक ही नेचर के हिस्से हैं। तो ये नेचर में ये दो ही चीजें होती हैं। जिस किसी की भी आप बात करोगे वो या तो मैटर होगा या एनर्जी होगी। अब ये जो चीज पानी के अंदर घुस रही है और पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये हमको दिखती नहीं है, लेकिन काम तो उसने किया, पानी को गर्म कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, मैटर की एनर्जी। एनर्जी, दिस इज एनर्जी, क्योंकि वो हमको दिखती नहीं है, उसमें जाती है, गर्म कर देती है, ठंडा कर देती है। तो ये जो एनर्जी है, इसने थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ाया, तो हम इसको क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट थर्मल एनर्जी। एनर्जी, इसमें काम करने की ताकत होती है। ये एनर्जी जब हम देते जाते हैं तो वाटर स्ट्रीम में कन्वर्ट होता है और स्ट्रीम से इंजन चलता है जो कि वर्क करता है। तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और इस एनर्जी की पहचान क्या है, इस एनर्जी की पहचान ये है कि वो जिस मटेरियल में जाएगी उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, यही इसकी पहचान है। ठीक है, बाद में हमको इसके दूसरी प्रॉपर्टीज भी पता लगी कि ये एनर्जी अगर आइस में जाती है तो उसको वाटर में कन्वर्ट कर देती है, वाटर में जाती है तो उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देती है। तो इस एनर्जी के दो काम हो गए, या तो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है या स्टेट को चेंज कर देती है। ठीक है, तो ये वाली जो एनर्जी है इसका नाम रखा गया थर्मल एनर्जी, और इसी को हम कहेंगे हीट। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक सेंस है, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस, वो एक सेंस है जो बताता है कि चीज ठंडी है या गर्म, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी जा रही है। अब देखिए, कोई चीज ठंडी है ये उसका टेम्परेचर है, गर्म है ये उसका टेम्परेचर है। ठंडी से गर्म कैसे हुई, उसके अंदर कुछ एंटर किया, वो जो एंटर किया वो चीज क्या है, वो हीट है। वो क्या चीज है, हीट। समझ में आया कुछ? तो ये है हीट एनर्जी। सो इसको अब हम थोड़ा सा वर्ड्स में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हीट इज एन एनर्जी विच कैन फ्लो from body of lower temperature can शब्द को हटा देते हैं, with flow, from body of lower temperature to body of higher temperature. और एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग,
दो बॉडी हो, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सोचें कि ऐसे दो बॉडी ही होनी चाहिए। एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी इसका सराउंडिंग है, एयर के पार्टिकल्स। तो अगर ये हायर टेम्परेचर पर है और हवा लोअर टेम्परेचर पर है, जैसे गर्म चाय का कप, तो हम क्या देखते हैं, इसमें से कोई चीज इधर चली गई और इसका टेम्परेचर कम हो गया। जो चीज हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाती है उसका नाम हमने क्या रखा, हीट एनर्जी। ठीक है, जब हम ठंडे ग्लास का पानी रखते हैं तो वो जो ठंडा पानी है उसके आसपास एयर उससे हायर टेम्परेचर पर है, तो उस समय हीट कहां से कहां ट्रांसफर होती है, फ्रॉम एयर टू दी लोअर टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। सो टेम्परेचर हाई करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हीट एनर्जी। इसके फ्लो की डायरेक्शन बताइए, फ्लो की डायरेक्शन फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे, ये फ्रॉम टू, इसका मतलब डायरेक्शन कहां से कहां जाती है, और ये करती क्या है, हीट रेज द टेम्परेचर और चेंज द स्टेट मोमबत्ती सॉलिड है उसको हम हीट करेंगे लिक्विड बन जाएगी, बर्फ सॉलिड है उसको हीट करेंगे वाटर बन जाएगा। सो हीट स्टेट भी चेंज कर सकती है और हीट टेम्परेचर भी बढ़ा सकती है, ये दो काम हीट करती है। हीट और भी कुछ कुछ काम करती है, उसको हम थर्मल प्रॉपर्टीज में और ज्यादा उसको स्टडी करते जाएंगे। ओके, तो ये हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ी, टेम्परेचर क्या होता है और हीट क्या होती है। तो टेम्परेचर के लिए आप एक लाइन क्या याद रखेंगे, व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस। व्हाट इज हीट, हीट इज ए एनर्जी फॉर्म विच फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, दिस इज ए एनर्जी। ओके, तो ये इसके स्केल्स आ गए। अब स्केल्स के लिए हम थर्मामीटर बनाते हैं। थर्मामीटर अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, बट वी आर मोर कंसर्न विद द स्केल्स, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये दो स्केल हमने बनाए। और अब हम एक तीसरा स्केल पढ़ेंगे, एंड दैट स्केल इज ए केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पढ़ने के लिए हम लोगों को पहले एक और टॉपिक स्टडी करना है, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन केमिस्ट्री, दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने ये पढ़ा है दैट व्हेनेवर ए बॉडी इज गिवन हीट एनर्जी इट्स टेम्परेचर चेंज, इफ इट इज इन ए कंटेनर इट्स प्रेशर में चेंज, इट्स वॉल्यूम में चेंज, एंड देयर विल बी एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम। सो देयर इज ए रिलेशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जब भी किसी चीज को हीट करेंगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम उसका बढ़ता चला जाएगा। अगर हमने उसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे कर दिया, एक प्रेशर कुकर को सब तरफ से बंद कर दिया तो उसके अंदर की जो एयर है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अब हम उसको हीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसका प्रेशर बढ़ते जाता है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट किया तो प्रेशर बढ़ते जाएगा, और अगर प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां हमने वाटर को रखा और हीट किया तो स्टीम बनेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। सो दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये रिलेशन हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा हुआ है, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। That says, what we are studying is Kelvin temperature. Volume
is proportionate to temperature. Or V upon T is constant. ठीक है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर, दैट इज वी अपॉन टी इज कॉन्स्टेंट. वॉल्यूम को अगर कम करते जाएंगे तो टेम्परेचर का क्या होगा, कम होते जाएगा. इसी तरह से अगर हमने वॉल्यूम कॉन्स्टेंट किया और टेम्परेचर को कम करते गए तो क्या होगा, इफ volume is constant, then pressure is proportionate to temperature. P is proportionate to T, or this gives us that P upon T is constant. ये किसका relation है, pressure और temperature का. अच्छा, अब अगर हम temperature को कम करते जाएंगे किसी गैस के तो उसका प्रेशर कम होते जाएगा. हम उसका एक ग्राफ बना सकते हैं. हमने ग्राफ बनाया, गैस ली, गैस का टेम्परेचर कम करते चले गए, और ये हमने ग्राफ का एक स्केल बनाया. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दिस इज प्रेशर एंड दिस इज टेम्परेचर स्केल. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने गैस का प्रेशर नापा, 1 एटमॉस्फेयर. ओके, उसको हमने यहां नोट कर लिया कि इतना टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर है तो इतना प्रेशर है. ठीक, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज प्रेशर. उसके बाद हमने टेम्परेचर को कम किया. जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो देखते हैं कि प्रेशर भी थोड़ा सा कम हो गया. फिर हमने टेम्परेचर को और कम किया, प्रेशर और कम हो गया. फिर टेम्परेचर को और कम किया, ऐसे करते करते हम टेम्परेचर को जीरो पे ले आए. डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आए टेम्परेचर को, तो हमने देखा प्रेशर कम होके इतना कम हो गया, और टेम्परेचर को हमने कम किया और इधर माइनस होते चला गया. कम किया और कम हो गया, और कम किया और प्रेशर कम हो गया, और कम किया और कम हो गया. अब इतना लो टेम्परेचर हो गया कि ये गैस लिक्विड बन गई. जब ये गैस लिक्विड बन गई तो हमारा ग्राफ बनाना खत्म हो गया. उसके बाद हम ग्राफ नहीं बना पाए, तो इस ग्राफ को हमने कंप्लीट कर लिया ये इस तरह से. ये बस, इससे हमको ग्राफ से एक चीज पता लगी, दैट इफ यू गो ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द प्रेशर ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग. पी प्रोपोर्शनेट टू टी. ओके, टेम्परेचर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज. यहां पर आकर ये लिक्विड बन गया. अगर ये लिक्विड नहीं बनता तो क्या होता, हम और टेम्परेचर कम करते, प्रेशर और कम होते जाता. क्या हम ऐसी स्टेज में पहुंच जाते कि प्रेशर जीरो हो जाता, मालूम नहीं होता कि नहीं होता. लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि इस स्केल को देखकर आप ये बताओ कि कितने टेम्परेचर पर प्रेशर जीरो हो जाएगा, तो मैथमेटिक्स से वो हम कर सकते हैं. किस तरह से कर सकते हैं, इस प्रेशर को कम करते हैं, हम देख रहे हैं दिस इज सेम स्लोप बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट. तो उसी स्लोप को हम आगे बढ़ाते हैं कि अगर ये लिक्विड नहीं बनता तो इतना प्रेशर हो जाता इस टेम्परेचर पे, इतना प्रेशर हो जाता इस टेम्परेचर पे, इतना प्रेशर हो जाता इस टेम्परेचर पे, और जीरो प्रेशर हो जाता इस टेम्परेचर पे होता अगर ये लिक्विड नहीं बनता. तो ये प्रेशर जीरो हो जाएगा किस टेम्परेचर पर, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. उसके बाद प्रेशर निगेटिव तो हो नहीं सकता. अगर प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब इससे कम टेम्परेचर भी नहीं हो सकता. तो ये हमारे दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर है.
ये हमारे प्लेनेट का, हमारे यूनिवर्स का सबसे कम टेम्परेचर है, क्योंकि उस समय प्रेशर क्या हो जाता है? जीरो। हर चीज का हिलना जुलना सब बंद हो जाएगा, ये सबसे कम टेम्परेचर होता है। सो ये जो टेम्परेचर है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, और इसका हमने नाम रखा एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट जीरो। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो इज दैट टेम्परेचर एट विच प्रेशर ऑफ ए गैस विल बिकम जीरो। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ओके, सो हियर प्रेशर ऑफ ए गैस बिकम जीरो। जब हम काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, फिर से हम इसका इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे कि प्रेशर जीरो होने का मतलब क्या होता है। पर अभी ये कि जहां प्रेशर जीरो हो जाएगा, वो टेम्परेचर इस दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर होगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट जीरो। ये थ्योरी सबसे पहले लॉर्ड केल्विन ने बनाई थी, तो उनके ऑनर में हमने इसको बोल दिया जीरो ऑफ केल्विन स्केल, और एक नई स्केल चालू की, तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहने लगे? जीरो केल्विन। ओके, सो पहले हमने एक स्टैंडर्ड पॉइंट बनाया हुआ था, क्या? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वो एक स्टैंडर्ड पॉइंट था। और एक स्टैंडर्ड पॉइंट क्या बनाया था? बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। अब ये हमने एक और स्टैंडर्ड पॉइंट बनाया। इस स्टैंडर्ड पॉइंट में दुनिया की हर चीज का प्रेशर क्या हो जाता है? जीरो। और ये दुनिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? जीरो। और स्केल नया चालू किया, केल्विन। ठीक, अब केल्विन स्केल का एक स्टैंडर्ड पॉइंट फिक्स हो गया, उसके स्टेप कितने ऊंचे ऊंचे बनाने ये डिसाइड करना था। हमने उसमें डिसाइड किया हुआ था कितना ऊंचा स्टेप है। इतना ऊंचा स्टेप है कि 100 स्टेप में आप फ्रीजिंग से कहां पहुंच जाते हैं? बॉइलिंग में। उस एक स्टेप को हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री। तो केल्विन के समय भी हमको ये क्वेश्चन आया कि ये वाला केल्विन स्केल में स्टेप कितना ऊंचा रखना है, तो हमने डिसाइड किया कि वो 100 वाला बहुत कन्वीनियंट है, एंड दैट विल डू। तो केल्विन का स्केल भी हमने उतना ही बड़ा रखा, केल्विन का स्केल भी उतना ही बड़ा रखा। तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बीच में कितने स्टेप्स रखे? 100। वही एक स्टेप सेल्सियस और वही एक स्टेप केल्विन। उस हिसाब से हमने यहां पर देखते चले गए कि यहां पर अगर ये स्टेप हम ऐसे करते चले जाएंगे, तो जब हम यहां पहुंचेंगे तो ये टेम्परेचर हमको मिलता है -273.16 डिग्री सेल्सियस। ये, और इसको हमने क्या बना दिया? 0 केल्विन। ठीक है, ओके, सो 1 केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस, ये हमने बनाया। अब फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 273.16, क्योंकि ये जीरो से इतना नीचे गया। बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस जोड़ना है और केल्विन का भी वही स्केल है, तो ये बन गया 373.16 K। ये वाला जो हमारा स्केल बना, इस स्केल को हमने SI में अडॉप्ट कर लिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन तीनों में से कौन सा स्केल लेना है? केल्विन, बिकॉज केल्विन इज रिलेटेड टू ए फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? व्हेन एनर्जी ऑफ ए गैस बिकम टोटली जीरो, इट्स प्रेशर बिकम जीरो। सो सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, इतना होगा।
ये आ गया। अच्छा, अब अप्रोक्सीमेटली हम इसको कितना मान लेते हैं, -273। अभी इस रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कितना होगा? तो यहां से 27, इसके इधर कितने हैं, 273, और इस तरफ कितना, 27। तो कितना हो गया, 0 केल्विन से यहां गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4, 273 प्लस 27। तो जब भी सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, एड 273.16, और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो -273। ठीक है, तो यहां एक नोट करते हैं, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 केल्विन। कैसे किया, 273 एग्जैक्ट लेंगे तो 1.6 और आ जाएगा, ये इसका तरीका है। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर किसका दिखेगा, केल्विन का, राइट। अब फिर से वही वाला इक्वेशन हम लेते हैं, दैट वाज सी अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ -32 अपॉन 9 इज इक्वल टू, दिस इज केल्विन, -273.16 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये दोनों का एक ही स्केल है, इससे आप किसी में भी कन्वर्शन कर सकते हैं, एक का दूसरे में। ओके, सो दीज आर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, दिस इज डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें एक चीज हमने और देखी, दैट वॉज वेरी स्पेशल। हमने एक गैस ली थी, उसका टेम्परेचर कम किया, प्रेशर यहां 0 हो गया। हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, इस गैस के लिए हमको पता लग गया कि -273 पर ये गैस का प्रेशर 0 हो जाता है, दूसरी गैस के लिए देखते हैं कि उसका कितने टेम्परेचर पर होता है। तो हमने एक दूसरी गैस ली और उसका प्रेशर देखा, तो वो प्रेशर कम था, इसी टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर इसका इतना था, उस गैस का प्रेशर मान लीजिए इतना था। अब हमने उसको ठंडा किया, उसको ठंडा करते गए तो हमको ये दूसरी रीडिंग मिली, तीसरी रीडिंग मिली, चौथी रीडिंग मिली, इस तरह से ये ऐसे किए और ये लिक्विड बन गई, लिक्विड बन गई। तो इसको भी हमने ऐसा बनाया और इसको एक्सटेंड किया कि पता लग जाएगा कि अगर ये गैस रहती तो कब इसका प्रेशर 0 होता, पता लगा यहीं पर 0 होता। तीसरी गैस हमने ली, तीसरी गैस का इस टेम्परेचर तक गर्म किया, वो उसका प्रेशर इतना ज्यादा था। अब उसको हमने ठंडा करना शुरू किया तो उसका प्रेशर भी कम होना शुरू हुआ। वो रूल सबके लिए है, टेम्परेचर कम करो प्रेशर कम होगा, तो इसको हमने ठंडा किया, ये इसका प्रेशर कम होना शुरू हुआ। इस तरह से हम इसकी रीडिंग लेते चले गए और ये लिक्विड बन गई, लिक्विड बन गई। तो इसको भी हमने मिलाया, इसको मिलाया। अब हमने ये सोचा कि अगर ये लिक्विड नहीं बनती, गैस रहती, तो देखते हैं किस टेम्परेचर पर जाकर इसका प्रेशर 0 होता। तो हमने देखा ये इस टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पर इसका प्रेशर भी क्या हो जाता, 0। तो एक चीज हमको समझ में आई, गैस कोई भी हो, जिस टेम्परेचर पर उसका प्रेशर 0 होने वाला है, वो टेम्परेचर सबके लिए एक ही है। इसका मतलब दुनिया में इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टेम्परेचर बन गया, इसको हमने क्या कहा, एब्सोल्यूट 0। सो दिस इज गैस 1, गैस 2, गैस 3, सभी गैसेस का। सो ये रिजल्ट हमने लिख लिया, ऑल गैसेस प्रेशर इज 0
pressure is zero at same temperature. ठीक है, ऑल द एक्टिविटीज स्टॉप. At this temperature. और ये हमारा कौन सा स्केल बन गया? This is SI scale of temperature. और ये temperature हमारी एक fundamental quantity है. Heat और energy is not a fundamental quantity. बट टेम्परेचर इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि ये सेंस जो है हम और किसी चीज से मीटर में, लेंथ में और वजन में, मास में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. मास में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेंथ में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, टाइम में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. टेम्परेचर एक अलग ही सेंस होता है, इसलिए ये एक डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटी बन गई. सो टेम्परेचर इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. Is a fundamental or basic quantity. Basic quantity, और इस quantity का symbol क्या है, इसकी dimension क्या है? Dimension. इसकी dimension क्या रखी गई है बताइए, याद है? Temperature की dimension. MLT, mass, length, time. तो temperature की dimension. इसके बाद हमने जितनी भी बेसिक क्वांटिटीज चुनी सिंपलिसिटी के लिए, जो उसकी यूनिट थी वही उसकी डायमेंशन, उसी से ही उसकी डायमेंशन बनाई गई. तो एसआई सिस्टम में यूनिट क्या हमने रखी इसकी? एसआई स्केल. तो इसकी यूनिट हमने बनाई केल्विन. यूनिट केल्विन. सिंबल के. तो डायमेंशन को भी हमने क्या रखा? के. ठीक है, तो ये इसके सब पॉइंट नोट कर लीजिए. दिस इज एसआई स्केल ऑफ टेम्परेचर. डायमेंशंस के, यूनिट केल्विन, सिंबल के. और इसका सेल्सियस से, फारेनहाइट से क्या रिलेशन है ये हमको समझ में आ गया. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्मोडाइनेमिकल यूनिट. क्यों थर्मोडाइनेमिकल? क्योंकि इसकी डेफिनेशन हमने कैसे फिक्स की है? डायनेमिक मीन्स चलना. उस चलने के कारण हम लोग काइनेटिक थ्योरी में पढ़ेंगे, जब भी गैस के मॉलिक्यूल चलते हैं और चल के हिट करते हैं तो प्रेशर बनाते हैं. अगर वो बिल्कुल प्रेशर नहीं दे रहे हैं, प्रेशर जीरो हो गया है, वॉट डज दैट मीन? कि वो नहीं चल रहे, यानी उनका डायनेमिज्म खत्म हो गया. ठीक है, तो हीट और डायनेमिक्स इनका आपस में रिलेशन है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स. जब उसका डायनेमिक्स खत्म हो जाता है, डायनेमिज्म खत्म हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो. तो ये जो हमने डेफिनेशन बनाई है, इसमें हम क्या कहते हैं कि ये वो स्केल है जो वहां से स्टार्ट होता है जहां डायनेमिक्स जीरो होती है. So this is thermodynamics scale, right? So this is thermodynamics scale. We can note it. ये शब्द बीच में आएगा कई बार. Thermodynamic scale और thermodynamic, okay. और thermodynamic zero. Thermodynamic temperature. तो हम ये कह सकते हैं, देर इज वन सेल्सियस स्केल, देर इज वन फारेनहाइट स्केल, देर इज वन थर्मोडायनेमिक स्केल. ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई. सो दिस इज टेम्परेचर एंड डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. ये स्केल्स को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इनको नापने के लिए हम यूज करते हैं
for measurement. यहां पर हम नोट कर चुके हैं किस डिवाइस को यूज करना है, थर्मामीटर। ये थर्मामीटर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो इसके लिए याद रखिए थर्मामीटर एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ टेम्परेचर राइज देन इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है, उसका हमने मेजरमेंट बना लिया कि एक बर्तन में हमने वो डाल दिया अल्कोहल और उसको बर्फ में रख दिया, उसको हमने बर्फ में रखा ये ऐसे, इसको अल्कोहल से भर दिया और इसको बर्फ में रख दिया। जब इसको बर्फ में रखते हैं तो देखते हैं इतनी अल्कोहल यहां पर आ गई ये। अब हमने इसको उठा के स्टीम में डाला, ऊपर से बंद कर दिया है। ओके, इसको जब हम स्टीम में डालते हैं, स्टीम या बॉइलिंग वाटर, तो हम देखते हैं कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होके ये यहां पहुंच गया, इतने तक पहुंच गया ये। तो हमने क्या किया, इस ग्लास पर यहां लिख लिया 0 सेल्सियस, यहां पर लिख लिया 100 सेल्सियस। ये तो यहां क्या लिखा हुआ है, 0 सेल्सियस, यहां क्या लिखा है 100 सेल्सियस। उसके बाद स्केल से इसको नापा, स्केल से मेजर करके इसके 100 पार्ट्स कर दिए ऐसे। ये क्या देगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। और ये चीज क्या बन गई, थर्मामीटर। ठीक है, इस तरह से थर्मामीटर। तो इसमें हमको याद क्या रखना है कि थर्मामीटर किस प्रॉपर्टी से बनाए जाते हैं, तो आंसर है थर्मामीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विथ टेम्परेचर। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे इससे। अब हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण दूसरी बहुत सी प्रॉपर्टीज भी बदलती हैं, जैसे गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता है तो हम गैस वाले थर्मामीटर भी बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस टेम्परेचर से कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसके सर्किट में करंट उसकी कम हो जाएगी, तो उस करंट को मेजर करके हम दोनों स्टैंडर्ड पॉइंट बना लेते हैं और उसका भी थर्मामीटर बना लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर। तो आजकल जो हम यूज कर रहे हैं दोज आर डिजिटल थर्मामीटर्स, उसमें क्या यूज करते हैं दैट यू विल स्टडी इन क्लास 12th। पर बेसिकली हर एक में क्या चीज है, देयर इज अ सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच चेंजेस ड्यू टू टेम्परेचर। कभी हम उसके वॉल्यूम को पकड़ लेते हैं, कभी रेसिस्टेंस को पकड़ लेते हैं, कभी किसी और प्रॉपर्टी को पकड़ लेंगे, कलर को पकड़ सकते हैं। इस तरह से कलर से भी हमको टेम्परेचर का पता लगता है। स्टार अगर हमको लाल दिखता है, येलो दिखता है, ग्रीन दिखता है, तो हम यहां पर एक मेटल को गर्म करते हैं, पहले उसमें से लाल रंग निकलता है, लोहे को गर्म करके देखिए लाल रंग निकलता है, उसके बाद और गर्म करेंगे वो पीला हो जाएगा, उसके बाद लाल पीले हरे का मिक्सचर मिलेगा, और गर्म करेंगे तो नीला भी निकलेगा, और सब मिला के वाइट चमकदार हो जाता है वो, इतना ज्यादा गर्म होने से। तो हम सबका टेम्परेचर नाप लेते हैं, हमको पता लग जाता है कि इतने टेम्परेचर पर ये वाला कलर निकलता है। अब अगर एक स्टार से हमको एक पर्टिकुलर कलर की लाइट आ रही है तो हम समझ जाते हैं उस स्टार का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उसके कलर से पता लगता है। तो इस तरह से टेम्परेचर नापने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एंड दैट वी कैन स्टडी वन बाय वन जैसे जैसे उसकी प्रॉपर्टीज सामने आती जाएंगी। सो दिस इज व्हाट थर्मामीटर। तो नॉर्मली जो हम घर में थर्मामीटर यूज करते हैं वो किस बेसिस पर होते हैं, एक्सपेंशन, किस प्रॉपर्टी पे काम करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ द फ्लूइड विद टेम्परेचर, और आजकल चेंज इन रेसिस्टेंस विथ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से ये चीजें यूज होती हैं और इससे हम थर्मामीटर बनाते हैं। थर्मामीटर यूज थर्मल एक्सपेंशन।
ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड मतलब लिक्विड हो या गैस हो, उसके थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी यूज करके थर्मामीटर बनाए जाएंगे. राइट, तो ये हो गया ऑल थर्मल स्केल्स, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक स्केल, जीरो केल्विन एंड ऑल अबाउट टेम्परेचर. ओके, अब इसके बाद हम लोग अगली चीज पढ़ेंगे, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन.